जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ ऐसा अचूक महा उपाय जिसको आपने सिर्फ 10 मिनट रोज करना है और आप अपने जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हमारी जीवा पर बैठती हैं। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि फलाने व्यक्ति ने कोई बात कही और वो पूरी हो गई, किसी ने कोई नेगेटिव बात कही तो वो पूरी हो गई, किसी के लिए हम कहते हैं अरे वो जो बात बोलते हैं वो सच हो जाती है, या कोई किसी को बद्दुआ देता है तो सच हो जाती है। ऐसा आपने हमेशा कहीं ना कहीं फील किया होगा या आपके साथ खुद भी हुआ होगा कि जब आपके मन में आता है अरे मैं तो कुछ और मांग लेता तो वो भी मिल जाता। आते हैं ना ये सारे ख्याल आपके साथ भी? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। 24 घंटे में कुछ समय ऐसा होता है जब माँ सरस्वती हमारी जीवा पर विराजमान होती है। ऐसी स्थिति में हम अपनी हर परेशानी हर तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। हम माँ से अपनी हर परेशानी तकलीफ को दूर करने की कामना कर सकते हैं। और देखिए करके कुछ ही समय में आपको रिजल्ट मिलेगा कि जिन चीज़ों को लेकर आपके जीवन में परेशानियां चल रही थी, जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो सब धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही हैं। कैसे? 24 घंटे में से कुछ समय माँ सरस्वती हर व्यक्ति की जीवा पर बैठती हैं। कौन सा है वो समय? वो समय है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त। सुबह के समय 3:20 से लेकर 3:40 का समय ऐसा है कि माँ सरस्वती आपकी जीवा पर विराजमान होती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तभी हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि 3 उठ जाना चाहिए, उस समय की आपकी पूजा का विशेष तौर पर फल मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे लिए बहुत ही कीमती समय है। आपके जीवन में यदि कोई भी परेशानी है, कोई भी घटना ऐसी घट रही है जिसको लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं, तो करिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपने ये देखना कि आपको क्या परेशानी है। उस परेशानी को लेकर आपने 3:15 पर एक लाल रंग का आसन बिछा कर उस पर बैठ जाना है। उसके बाद सबसे पहले आपको इस ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों का धन्यवाद देना है। इसके बाद आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, ऐसा नहीं कि आप लालचवश 1, 2, 3 सारी परेशानियां, सारे परिवार की परेशानियां एक साथ ले लें। कोई भी एक महत्वपूर्ण परेशानी जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसे लीजिए और उसे बोलिए। जैसे कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपने सबसे पहले ब्रह्मांड की सर्वशक्तियों को धन्यवाद देना है कि मैं इस ब्रह्मांड की सर्वशक्तियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद आपने अपनी परेशानी को लेकर प्रेजेंट टेंस में बोलना है। आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो मुझे 1 महीने में बहुत ही अच्छी नौकरी मिल रही है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, शीघ्र मेरे विवाह के योग बन रहे हैं और इस वर्ष मेरा विवाह ज़रूर हो जाएगा, ऐसा आपने बोलना है। किसी का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आपको पढ़ाई के लिए बोलना है। व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो व्यापार के लिए बोलना है। आपकी कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है तो कंसंट्रेशन के लिए बोलना है। कहीं पे जॉब में आपको ट्रांसफ़र चाहिए, ट्रांसफ़र के लिए बोलना है। जो भी आपकी समस्या हो, जो भी आपकी परेशानी हो, उसके लिए आपने प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि मैं इस ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों का आभारी हूँ और मेरा ये काम बहुत शीघ्र होने वाला है। करिए इस उपाय को अप्रोच, निश्चित ही आपको बहुत शीघ्र सफलता मिलेगी। जो भी आपकी परेशानी है बहुत जल्द आपकी दूर होने लगेगी, आपके जीवन की हर समस्या दूर होने लगेगी। परिवार में कलेश है, परिवार के लिए बोलिए, देखिए फिर आपका परिवार कैसे एकजुट हो जाता है। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य समय है, जिस समय पर यदि आप पूरे मन से अपनी परेशानी की
खुद ही अपने आप को आशीर्वाद देते हैं तो आपकी परेशानी बहुत ही शीघ्र दूर होती है। आजमाया हुआ उपाय है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि यदि आप 3:20 से लेकर 3:40 के बीच में पूरे मन से पूजा करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। तो करिए इस उपाय को और करिए अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि ऐसा कौन सा समय है जो माँ सरस्वती आपकी जीवा पर विराजमान होती है और कौन सा ऐसा समय है जब हम पूजा करके अपनी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो करिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा और लीजिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फाइनेंशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है, बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।